50,000 से ज्यादा की तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं, 1.5 दर्जन के करीब गांव है यहाँ पर। 24 किलोमीटर का यह सड़क लोगों के लिए मनहूसियत का सबब दे रहा है। यहाँ की सड़क बहुत गंदी है, बहुत गंदी, एकदम जाते हुए मैं स्कूल से जाते हैं तो पूरा पैर मोजा जूता सब पानी में भींग जाता है। यहाँ मक्कमा चौक से चुट्टू पाली घाटी तक लाखों गड्ढे होंगे, बहुत पानी भर जाता है, पानी मारता है यहाँ पे। यहाँ पर स्कूल आना जाना मुश्किल हो जाता है। झारखंड सबसे खराब रोड यही है, सबसे जो घटिया भी घटिया बोल सकते हैं। बहुत क्या यही विकास का नजारा है? अभी तो हम अपने वैगन आर से आ रहे थे, वो गाड़ी का चक्का इतना छोटा है कि यहाँ पर हम जा नहीं पा रहे थे, तो अपने दोस्त की मदद से हम उनके थार गाड़ी में आ रहे हैं और वो भी गाड़ी यहाँ पर बड़े दिक्कतों से पार हो पा रही है। आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से कि किस प्रकार से गड्ढे बने हुए इस सड़क में, मानो इतने गड्ढे हैं इस 24 किलोमीटर के भदानी नगर मतकमा चौक से लेकर चुट्टू पालू तक जाने वाला यह सड़क, इतना गड्ढा है यहाँ पर कि आप गिनती भूल जाएंगे। और कोई 1 मीटर और 1.5 मीटर के गड्ढे नहीं, यहाँ पर 5-5 मीटर 10-10 मीटर के गड्ढे हैं और कई बार सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है और उसके बावजूद भी ना शासन ना प्रशासन कोई इस ओर सख्त से कदम नहीं उठा रहा है। सुख शांति समृद्धि और चौमुखी विकास, क्षेत्र में अच्छे सड़क, पक्के सड़क, बिजली, गांव का चौमुखी विकास करने के वादे को लेकर सरकार बनती है और घर घर जाकर वोट मांगा जाता है कि हम आपको अच्छी सड़क, अच्छी व्यवस्था, आपके घर में बिजली पानी और आपको पक्के और अच्छे सड़क देंगे। उसके तहत चाहे केंद्र की बात करें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव से शहर को जोड़ने के लिए सड़कों को बनाने की बात, चाहे आप राज्य की बात कर ले, हर जगह सड़क बनाने की योजना चलती है। क्या यही है वह विकास का योजना का जमीन पर उतरता हुआ तस्वीर? यह 24 किलोमीटर का करीब एरिया है जो भदानी नगर मतकमा चौक से प्रारंभ होकर और चुट्टू पालू तक जाता है। यहाँ इतने गड्ढे हैं कि आप गिनती भूल जाएंगे। हर 10-20 मीटर के ऊपर में एक ऐसा गड्ढा है जिसमें जल जमाव की आप स्थिति देख सकते हैं कि तालाब के रूप में यह तब्दील हो चुका है। क्या यही है विकास? इसी को लेकर लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं? क्या इसी विकास के पैमाने को देखने के लिए लोग शासन को बनाते हैं? आज हम भदानी नगर मतकमा चौक से यह जो चुट्टू पालू का बहुत दिनों से चर्चित यह जो रोड है उसके नज़ारे को दिखाने जा रहे हैं कि किस दुर्दशा वाली स्थिति में करीब 1 दर्जन से अधिक गांव के 50,000 से भी ज़्यादा लोग जी रहे हैं। आप उसके नज़ारे को अभी वीडियो के माध्यम से देखें और हम आज 24 किलोमीटर की यात्रा में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार के बड़े बड़े खड्डे जो दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस प्रकार से यहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। दुर्दशा वाली स्थिति को दिखाने के लिए हम स्थानीय आजसू पार्टी के नेता दिलीप दांगी के गाड़ी में बैठे हुए हैं और उनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये स्थानीय क्षेत्र के व्यक्ति हैं और हमारे साथ गुड्डू पांडे भी हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, और हम इस क्षेत्र के हालात को आपको दिखाएंगे कि कैसे बद से बदतर वाली स्थिति में लोग जी रहे हैं। और दिलीप दांगी जी से भी हम आपको बात करवाएंगे। पहले आप सड़क के नज़ारे को देखें कि किस प्रकार से बदतर वाली स्थिति में स्कूल के स्टूडेंट्स रोजाना इधर से जाने आने का काम करते हैं, क्योंकि 50,000 से अधिक की आबादी और 1 दर्जन ज़्यादा गांव। अरे सर मानी चाहिए वैसे जनप्रतिनिधि, वैसे शासन प्रशासन के लोगों को जो लोग वोट के वक्त आते हैं, उनको समस्याओं के निदान करने के वादे करके जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तस्वीर नहीं बदलती। शासन बदल जाते हैं, प्रशासन बदल जाते हैं, लेकिन वो उसी हालात में जीने को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को छोड़ जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी योजना है ग्राम सड़क योजना, जिसके तहत पूरे गांव को शहर तक जोड़ने की बात की जाती है, जिसके तहत लोगों को गांव से शहर तक पहुंचाने के लिए पक्की सड़क बनाने की बात है। यही है क्या वो योजना? यही है क्या उनकी की गई बातें? और यह झारखंड के रामगढ़ जिले के अंतर्गत भदानी नगर का अभी चिकोर एरिया का भ्रमण कर रहे हैं और ऐसा ही दर्जनों गांव है जिसमें देवरिया, मतकमा, लादी, चिकोर, लपंगा, सूदी, पाली, साकी, कोड़ी, कडरू, बारीडी सहित 1 दर्जन से भी अधिक गांव हैं। और
50,000 से ज्यादा की आबादी और ऐसे ही दुर्दशा वाली स्थिति में रोजाना सड़क से आवागमन करते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जीविकोपार्जन के लिए लोग शहर की ओर जाते हैं। अभी हम मौजूद हैं सुधी गांव के रोड के पास, जहां की आप हालात को देख सकते हैं कि लोग बाइक पर सवार होकर आ रहे हैं और कैसे गड्ढों के बीच में इनको आना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जीवन में कभी स्कूल के लिए, कभी खरीदारी के लिए, तो कभी अपने जीविकोपार्जन के लिए लोगों को रोज इधर से गुजरना पड़ता। हमने बताया आपको एक दर्जन से ज्यादा गांव है। यह भदानी नगर मतकमा चौक से लेकर चुट्टू पालू तक का 24 किलोमीटर का यह रास्ता, जहां पर 50,000 से ज्यादा की आबादी बसती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां स्टूडेंट भी बसते हैं, वहां रोजगार करने वाले लोग भी बसते हैं, मजदूर, गरीब और हर तबके के लोग बसते हैं। और उनकी तस्वीर को आप देखकर विकास के पैमाने को अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब हैं, किस तरह की दिक्कतें होती है भैया? यहाँ तो स्कूल के लिए भी दिक्कत है, आने जाने के लिए, चाहे क्या बोलते हैं, मजदूर है, किसान है, खेती बाड़ी भी करता है, अगर सब्जी भी ले जा रहा है कौन रास्ता में लेके जाएगा बताइए? डर लगता है रोड में जाने से, एकदम डर लगता है, कहाँ से लेके जाएगा बताइए आप? अगर सब्जी गिर जाएगा तो मार्केट में फिर से ऐसा स्थिति है, ऐसा तो 4-5 साल से है भैया, कोई नहीं ठीक करता है ना, कहाँ ठीक कर रहा है? देखिए, अगर किसान आ रहा है, अगर गिर जा रहा है, उसका सब्जी खराब हो जा रहा है, कौन लेगा उसका सब्जी? क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार महता। और भी बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर हमारे साथ भाई लोग मौजूद हैं। आप लोग रोजाना आवागमन करते हैं? हाँ, रोजाना आवागमन जान करते हैं हम लोग। हम तो पढ़ाई करते हैं, बुरकुंडम जाते हैं कोचिंग में, थोड़ा तो रोज, हाँ रोज थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत होता है कि जाते समय बारिश हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, गाढ़ा भी है बहुत, रोड भी स्थिति बहुत खराब है, एक्सीडेंट वगैरह भी होता है इधर? हाँ हो जाता है वो सब। बिल्कुल, आप बताइए। इधर पूरा रास्ता खराब है और आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। कई साल से ऐसा स्थिति है? 5-6 साल से, जब से आप देख रहे हैं? हाँ, आप देख सकते हैं ये युवा वर्ग के लोग हैं और युवा भाई हैं, 5-6 साल से ये देख रहे हैं, लेकिन जैसे हमें जानकारी है कि 10 साल से भी ज्यादा का इस तरह का ही बद से बदतर वाला हालात है इस क्षेत्र का। और बड़ी आबादी 50,000 से ज्यादा की तादाद में यहाँ पे लोग रहते हैं, 1.5 दर्जन के करीब गांव है यहाँ पर, 24 किलोमीटर का यह सड़क लोगों के लिए मनहूसियत का सबब दे रहा है। करेसर चल रहा है ना, जितने लोग उद्योगपति जो करोड़पति है लोग चल रहा है, लेकिन हम लोग के जो आदिवासी जो करोड़पति है लोग, क्या हम लोग को वैल्यू देता है? ज्यादा आबादी किस जाति का इधर? बेदी आदिवासी है। आदिवासी है। देखिए सर, मुख्यमंत्री महोदय, आप जिनके हित के लिए लड़ाई लड़े और जिनके कारण आज आप गद्दी में बैठे हैं, जिनके लिए आप 1932 के खतियान की भी बात कर रहे हैं और घोषणा भी कर दिए हैं, वही भाई आपके इस समस्या से पीड़ित हैं। उनकी समस्याओं को समझें, उनकी समस्याओं को खुद से जानें और निदान करने की कोशिश करें। छोटी गाड़ियां, पैदल चलने वाले लोग, साइकिल से चलने वाले लोग और जो बड़े गाड़ी से भी आ रहे हैं, महिंद्रा थार कार को कि किस प्रकार से जोखिम में आ रहा है ये गाड़ी। अगर पत्थर लगी और गड्ढे का शिकार हुआ तो यह जो 14-15 लाख वाली गाड़ी है ना, ये भी क्षतिग्रस्त हो जाएगी और इनका जो चेंबर है वो लीक कर जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ दिलीप जी हैं, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से ये सड़क जो है, सड़क महज 15 सालों से ये सड़क की स्थिति बद से बदतर है और यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद को कभी भी इस सड़क से कोई सरोकार नहीं रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि पत्र पत्रिकाओं में आभार यात्रा विधायक के द्वारा निकाला गया, सांसद एवं सांसद के प्रतिनिधियों के द्वारा आभार यात्रा निकाला गया, टेंडर हुआ नहीं कि आभार यात्रा निकाल करके लोग क्रेडिट लेने के होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ की लोगों की मनोस्थिति को अगर आप देखोगे, यहाँ के बच्चों की स्थिति को आप देखोगे, तो निश्चित रूप से बद से बदतर है। आज जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर, अच्छे परिवार के लोग इस गाँवों में संबंध जोड़ना नहीं चाहते हैं, शादी विवाह के रूप में संबंध स्थापित करना नहीं चाहते हैं। आज ये सड़क जो है महज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी में है और जिसमें 14 से 15 गांव क्रमशः देवरिया, मतकम्मा, लादी, चिकोर, लपंगा, पाली, सूदी, सांकी, कोड़ी, कडरू, बारीडी, जोबो,
हलवादी उर्वा होते हुए ये चुटू पालू की ओर जाती है। टेंडर हो चुका है जैसा सुना है हम लोग अखबार के माध्यम। निश्चित रूप से टेंडर हो चुका है, लेकिन टेंडर से ग्रामीणों को कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीणों को मतलब है कि सड़क का निर्माण होना, राजनीतिक क्रेडिट जिनको लेना है ले, लेकिन यहाँ के लोगों को, आम आवाम को, क्योंकि इस सड़क से मुझे भी सरोकार है, इसी सड़क से मैं भी चलता हूँ, एक आम नागरिक होने के नाते मेरा भी ये मानना है कि राजनीतिक क्रेडिट जिनको लेना है ले, लेकिन सड़क का निर्माण जल्द से जल्द। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे काम कोई भी करवाएं, लेकिन 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 ग्रामीणों की समस्या से आप अवगत हों और इस प्रकार की बद से बदतर वाली हालात से इनको निजात दिलाएं। और जैसा कि जानकारी है और जैसा कि दिलीप दांगी स्थानीय नेता ने बताया कि इस सड़क का टेंडर भी हो चुका है। 24 किलोमीटर का भदानी नगर चिकोर से आपका चुट्टू पालू तक का यह रास्ता है जिसका कि टेंडर हो चुका है, करीबन प्राकलन राशि 84 करोड़ रुपये के राशि से इसका टेंडर हुआ है, लेकिन किन कारणों से अभी तक इस रोड का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है ये तो शासन और प्रशासन के लोग ही जाने। लेकिन इस तरह की बद से बदतर वाली हालात में जो लोग जी रहे हैं उनके जिम्मेवार कौन है और कब सुधरेगी इनके बद से बदतर हालात वाली तस्वीर, ये भी आप इनको बता दें, क्योंकि यहाँ पर कोई 1, 2, 10 नहीं, यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा और 1 दर्जन से अधिक की आबादी वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके घर के लोग, तमाम लोग इस तरह की बद से बदतर वाली हालात में जीने को विवश हैं और अपने घर जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर हैं। वो कौन है इनके जिम्मेवार, इनकी सुधी लेने वाला कौन है और कौन इनके इस समस्याओं से निजात दिलाएगा, ये पूछ रहा है आपसे इस क्षेत्र के लोग।